में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल्स हैं जो अलग अलग जॉनर्स में हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं। उसमें से दो बड़ी कैटेगरीज हैं, मोटिवेशन और एजुकेशन। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर वन मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है, और जो वर्ल्ड का नंबर वन एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का वो उनका है, जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गेट एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली खान सर। कैसे हैं आप? इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या इंटरेक्ट करे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी, जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे। मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ऊपर? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे भी इतना कमेंट आया, इतना मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो एग्जैक्ट है वही पढ़ाना है। तो देखिए, हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है, कि अगर लड़का पढ़ने आ रहा है उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए। हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। बस आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं, आई थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है। सर, ये जो फीस का कल्चर है ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे एजुकेशन जरूरी है। वो ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहाँ से लौट गया। क्या बात, मैंने देखा कि आपका ये जो चैनल है कि ये पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। हमको जब चैनल शुरू हुआ तो एक दिन में हम 4-5 वीडियो बनाए, एक हमको कुछ आता आज भी नहीं आता, इतना तो हम देख के कैमरा वैमरा तो हम कंफ्यूज हो गए, बाप रे। तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया, पढ़ाने वाला टॉपिक था, हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं, 6-7 वीडियो एक ही बार शूट कर लिए। और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह, हमारे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम, और कैमरा 35,000 का था, तो 6 महीना इसी में लग गया, 35,000 इसी में फंस जाएगा। तो उनके कैमरे से शूट किए, उन्होंने कोई चार्ज लिया, उसके बाद हम छोड़ ही दिए। लॉकडाउन लगा तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे, तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया, तब हमको याद आया कि ओहो मेरा एक चैनल भी है वहां पे। तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया, और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा, आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना, मतलब जो एंटरटेनमेंट चलता रहता है। ये बात हम देखिए, जब हम गुलाम थे ना तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1,000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया, उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पढ़ा के चला जाए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती, पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना, वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहे सर डाउट कैसे पूछेंगे, हम कह रहे तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पर। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है आंसर का, मानना पड़ेगा। और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका, किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, आज की डेट में 17 मिलियन है। और मेरा एक क्वेश्चन और है इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल है या थोड़े से सेंसिटिव है, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है, तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो कितना भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार, एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो डजंट मैटर। और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, पता नहीं मैं।
मतलब आपके आसपास बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से। बस फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है, हथियार ना होकर। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का, पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है। हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, पुलिस वाला लाठी है, पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से, है ना। तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं है आपसे, और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड है आपसे, है ना। और एक और क्वेश्चन सर, यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि मुझे मतलब कुछ इशू करना है सर, ठीक है। और संदीप सर को देख लिए, मेरा तो वैसे ही हो जाना है। क्या हो जाना है मेरा, पूरा कंप्लीट करो। I'll be an IAS officer next year because I have seen you sir, my day is like complete sir. All the best. Thank you so much sir. Thank you. पूरा बोला करो। Thank you. देखिए लड़कों को जहां तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा। और डर का होना बहुत जरूरी है, ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना तो डर के भागी मत, एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। आप तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपए इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे, वहां पे उसके रहेंगे कहाँ से। तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली 12-14 हज़ार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना नहीं। ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही, ये सच है, मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो, पुलिस का ही है वो, और मारते हो। हाँ, कि मतलब अगर कोई लड़की खेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा काम करता है, कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे आपको कैमरे पे, ऑन कैमरा जैसा भी रहे, कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है। एक तो कोई मतलब विधायक जी थे, उनके लड़का को पीट दिए, तो चला दल बल लेके अपना वहां पे, उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है। बाद में पता चला हम पीटे हैं तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे। सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का? फौजी को डरे नहीं लगता है, बाकी अफसर से पूछिए। आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था, लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानियां सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया और इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है, और यही आकर के अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है। आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती है? 6-7 घंटे। अभी भी खुद ही करते हो? हमारे स्टाफ परेशान रहते हैं, हम 1:30-2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, परेशान रहते हैं। यार इतना क्यों करते हो, है ना, कभी उनको भी साथ-साथ लगना पड़ता है, उनको साथ-साथ लगना पड़ता है, हम जग गए हैं तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, परेशान रहते, दिन में सोते ही नहीं है बेचारा, कहीं कहीं जाके सोते रहता है, सीट बांध के भाई तुम इस समय सो जाना, तुम इधर सो जाना। आपकी शादी हो गई है? नहीं नहीं हो गई। मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सर थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर टीम कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एंड सर अब तक मैंने आपको सिर्फ फोन या लैपटॉप में ही देखा है दोनों को, आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है,
और क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम चार लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या राय है, तू बता तेरी क्या राय है, तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीजन है मत कर, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीजन पे स्टिक रहे, कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है तो अगर आपको पहले से आइडिया है उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह ले लें, मन में ऐसी गड़बड़ा जाएगा। पहले आपको आरएनडी करना पड़ता है।